नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात उत्तर प्रदेश से, जहां चुनाव करीब आते ही सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। लखनऊ के गोमती रिवर प्रोजेक्ट में अनियमितता को लेकर सीबीआई की छापेमारी आज हुई है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में 40 जगह पर छापेमारी की है। राजस्थान और कोलकाता में एक एक जगह पर छापेमारी हुई है, तो कुल 42 जगह पर छापेमारी हुई है। इस मामले को लेकर इस नए मामले में 189 आरोपी हैं, लेकिन तब के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का नाम नहीं है और सीबीआई ने अनियमितता की जांच के लिए नया मामला दर्ज कर लिया है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे किन 42 जगहों पर कैसे छापेमारी हुई है। तो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच से अब सियासी हलकों में जाहिर तौर पर हलचल मच गई है। इस प्रोजेक्ट में लखनऊ में गोमती के दोनों किनारों के सुंदरीकरण, बगीचे, पेड़ फूल पौधे, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक इत्यादि बनाया जा रहा था। यहां फ्रांस से लाया गया एक विशाल म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाने की बात थी। तो योगी सरकार ने इसमें घोटाले का आरोप लगाया था और इसकी जांच सीबीआई को दे दी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इसे देखकर लगता नहीं कि ये यूपी के किसी शहर की तस्वीर है, लेकिन रात की रंगीन रोशनियों में आसमान में उड़ते ड्रोन की नजरों से गोमती नदी के खूबसूरत किनारे कुछ यूं ही नजर आते थे। लेकिन सरकार बदली तो सब बदल गया। सीएम योगी खुद एक रोज रिवर फ्रंट पहुंच गए और इससे जुड़े अफसरों को बुलाकर फटकार लगाई। बाद में इसकी जांच सीबीआई को दे दी। प्रोजेक्ट पे आरोप है कि इसमें 1531 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1437 करोड़ खर्च हो गया, 95% खर्च हुआ, काम सिर्फ 60% हुआ, टेंडर में मनमानी की, कई काम बिना टेंडर के दिए, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर दिए, सस्ता काम महंगा कराया गया। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई ने पहला केस 2017 में दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस अब 2021 में दर्ज हुआ है। दोनों एफआईआर में सरकारी अफसरों समेत करीब 200 आरोपी हैं, लेकिन जिन अखिलेश यादव की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट का काम हुआ था, उन अखिलेश का दोनों एफआईआर में नाम नहीं है। सूत्रों की माने तो उनके खिलाफ जाँच जारी है। सीबीआई ने आज 3 राज्यों में एक साथ 42 जगह रेड की। सिंचाई विभाग के इंजीनियर और मुख्य आरोपियों में से एक रूप सिंह के गाजियाबाद के घर रेड हुई। लखनऊ में कम से कम 17 जगह रेड हुई, इनमें ठेकेदार, सप्लायर और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के बंगलों पर रेड हुई। गोरखपुर में बीजेपी एमएलए राकेश सिंह बघेल के घर रेड हुई, उनके भाई अखिलेश सिंह ने रिवर फ्रंट में काम किया है। आगरा में अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के यहां रेड हुई। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के घर सीबीआई टीम पहुंची तो वो फरार हो गए, सीबीआई ने उनका घर सील कर दिया। बुलंदशहर में ठेकेदार और कांग्रेस नेता राकेश भाटी के घर 4 घंटे सीबीआई की रेड चली, वो इसे सियासी कार्रवाई कहते हैं। मैंने रिवर फ्रंट में काम किया था, वहाँ की जांच चल रही है, उस जांच के संबंध में ये लोग आए थे मेरे घर में, उन्होंने सर्च किया, उन्हें जो कुछ मिला नहीं और वो यहाँ से चले। गोमती नदी में 45 करोड़ की लागत से एक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था। इस फाउंटेन के चलने पे इससे म्यूजिक निकलता था, ये तरह तरह की शक्ल अख्तियार करता था और इस पे लेजर लाइट से रोशनी की जाती थी। आरोप है कि इसकी खरीद के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि चुनाव से पहले ये सब सियासत के लिए हो रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत है उस जांच का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है और जांच होनी चाहिए, लेकिन जो टाइमिंग है और ईडी और सीबीआई की जो साख है कि जहां भी राजनीतिक संकट होता है, कहीं चुनाव होता है, वहां ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, इस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लखनऊ में गोमती नदी के दोनों तटों पे 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में बन रहा एक खूबसूरत रिवर फ्रंट एक बदसूरत विवाद का हिस्सा बन गया है। चूंकि मामला सियासी है, इसलिए लोगों को यह शक होता है कि इसमें मालूम नहीं कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, और मालूम नहीं इसकी पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी सकेगी या नहीं, या ये भी मायावती के तथाकथित स्मारक घोटाले की तरह उछलेगा और बंद हो जाएगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, वाकई में आपने अपने एन में बात याद दिलाई जो मायावती ने जो एक पूरा गार्डन बनाया था उसको लेकर कितना बवाल स्मारक स्थल जो बनाया था हुआ,
और अब ये गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हम लोग जो राजनीति के छात्र हैं, अगर समझना चाहें आपसे कि अब चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या उससे इसे जोड़कर देखा जा सकता है? कुछ लोग दबाव की सियासत की बात भी कर रहे हैं, आप कैसे देखेंगे इसे? देखिए, ऐसा है कि ये तो रेड करने वाले ठीक ठीक बता सकते हैं कि उन्होंने इस मौके पे रेड क्यों की, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिन लोगों से बात हो रही थी वो कहते हैं कि साहब कलकत्ता में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस दफ्तर पे कोई रेड हो गई, उनके किसी गाड़ी से 5 लाख रुपए बरामद हो गए। जब कर्नाटक में हो रहा था तो डी शिवकुमार या उसके साथ के लोगों के ऊपर रेड हो गई, आंध्र प्रदेश में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, पश्चिम बंगाल में हो गई, तो वो ये कहते हैं बिहार में हुआ था, चुनाव हो रहा था वहां पे रेड हो गई थी, पैसे बरामद हो गए थे। तो उनका कहना है कि जब कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो ये इस तरह की रेड क्यों होती है और वो गवर्नमेंट की एजेंसीज क्यों करती है, इससे इसकी टाइमिंग के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि 4.5 साल इस सरकार को हो गया, उसके पहले ये रिवर फ्रंट बन गया था, तो मान लीजिए अगर 5 साल हुआ इस रिवर फ्रंट को बने हुए, तो अगर 5 साल के बाद इसके तथाकथित घोटाले के आरोपियों के घर जाएंगे, कागज ढूंढेंगे, तो अगर किसी ने घोटाला किया होगा तो वो कागज लेके बैठा होगा देने के लिए सीबीआई को। 4.5 साल में अगर वो कुछ ठीक कर सकता होगा, अगर किसी ने घोटाला किया हो तो वो कर लेगा। तो इसलिए सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर कोई घोटाला 2017 के पहले हुआ है तो 2021 में उसकी जांच पड़ताल के लिए रेड क्यों हो रही है? ये केस तो बहुत पहले सीबीआई को दे दिया गया था, उसके पहले एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी जांच की थी। इस वजह से इसकी टाइमिंग के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने रेड की है। बिल्कुल कमाल, आप सही कह रहे हैं कि वाकई में जांच एजेंसियां ही हैं, उनको अपना काम करना, सटीक जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, क्योंकि चुनावों से पहले राज्यों में दिलचस्पी बढ़ जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी खबर, अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। संघ प्रमुख का बयान भी सामने आया है जिसे बहुत उसके अहम मायने हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है और ऐसा करने वालों पर बिना किसी भेदभाव के सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन भागवत ने यह बयान गाजियाबाद में संघ के ही हिस्से के जो एक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वहां पर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है, मुसलमानों को किसी डर में नहीं रहना चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अगर कोई हिंदू ये कहे कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते तो वो हिंदू नहीं हो सकते। आइए पहले सुन लेते हैं मोहन भागवत को। सर, मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषण में, मैंने कहा ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि यह शब्द ही बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं है तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है, हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में यह परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में नहीं। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न। लेकिन मेरे समाज में निराकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती।
वाकई में जो संघ की चिंताएं हैं वो निराधार नहीं है। कोरोना काल में लिंचिंग जैसे अपराध के आंकड़े फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन उससे पहले के आंकड़े चिंताजनक रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक और अनुसूचित समाज के प्रति हिंसा या घृणा अपराध के मामले ज्यादा उत्तर प्रदेश से आए। 2016 से 2019 जून तक देश भर में जो उत्पीड़न के 43% मामले इसी राज्य से आए। देश भर से 2008 मामले सामने आए और इसमें 869 लिंचिंग के मामले उत्तर प्रदेश से थे। इन राज्यों को इन समुदायों के लिए असुरक्षित भी माना गया। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2017 यूपी में गौ तस्करी से जुड़े हिंसा मामलों में 69% की बढ़ोतरी भी हुई थी। तो इस सब पर ये जो बयान तमाम आए हैं, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मेहली जी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए फिरंगी मेहली जी। पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जो मोहन भागवत जी का बयान आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? इन्होंने अपने बयान में कई बहुत अहम और बहुत पॉजिटिव पैगाम दिया है, उसको समझने की जरूरत है और उसको हम लोग विद एन ओपन माइंड एंड विद एन ओपन हार्ट हम लोग उसको वेलकम करते हैं। जब वो फरमाते हैं कि लिंचिंग अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू नहीं हो सकता, हम उसको हिंदू नहीं मानते। ये उनका एक बहुत बड़ा बयान है और अगर ये ग्राउंड लेवल तक उनका इस ये पैगाम जाता है और जो लिंचिंग के वाकयात जैसा कि अभी आपने फिगर्स पेश किए जो कि नहायत ही अफसोसनाक, इतने बड़े बड़े मामलात हुए, तो हम ये समझते हैं कि इस ऐसे मामलात को रोका जा सकता है। फिर जो उन्होंने ये बात कही कि जो भी लिंचिंग के वाकयात हुए हैं उनमें लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स और किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इन तमाम बातों को जरूरत इस बात की है कि अमली जामा भी पहनाया जाए और प्रैक्टिकली इन तमाम बातों पर अमल करें। और जब उन्होंने ये कहा कि मदरलैंड की बुनियाद पर हम तमाम हिंदुस्तानी एक हैं और हम सबको एक साथ मिल करके मुल्क को तामीर और तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहिए, तो जरूरत इस बात की है कि ये बातें हुक्मरानों तक भी पहुंचें। और जो बात भी उन्होंने मजहब इस्लाम के सिलसिले में फरमाई है कि और कि अपने मुल्क में इस्लाम कभी खतरे में नहीं रहा है या खतरे में नहीं है, तो जाहिर जवाब है कतई तौर पर हम लोग ये नहीं मानते कि कहीं पर भी अपने मुल्क में खुदा नखास्ता इस्लाम खतरे में है, कोई भी मजहब खतरे में नहीं है। लेकिन हाँ, जो वाकयात पेश आते हैं जिनका कि उन्होंने खुद तस्करा किया वो जरूर अफसोसनाक हैं और उन पर बंदिश लगनी चाहिए। और अब आरएसएस की तरफ से जो कि इतना बड़ा बयान आया है तो हम समझते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आने चाहिए, बिल्कुल उसके बहुत सकारात्मक असर होंगे। और वाकई में अगर ये बयान पहले आता तो उसका और भी ज्यादा फायदा होता और मामले जो सामने आए वो नहीं होते। तो फिरंगी मैं लीजिए, आपने जो कहा वो जो भागवत जी ने जो जिस तरह से कहा कि भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है और मुसलमानों को डर से नहीं रहना चाहिए, इसका असर क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर रहती है, 18% से ज्यादा। जी देखिए, जो लिंचिंग के वाकयात हुए या पॉलिटिकल लेवल पर जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है बल्कि नहीं है, और फिर यही जितने भी फैक्ट फिगर्स हैं हमसे बेहतर आप सभी को मालूम है कि मुल्क में चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो चाहे सोशल या इकोनॉमिकल लेवल पर या गवर्नमेंट जॉब में जो मुसलमानों का रेशियो है, ये तमाम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुल्क की सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी के साथ हक और इंसाफ के मामलात नहीं पेश आए हैं। और लिहाजा इन तमाम बातों की तरफ हुक्मरानों को तवज्जो देनी चाहिए और हम ये तवक्को करते हैं कि क्योंकि इतने अहम शख्सियत की तरफ से ये बयान आया है तो हो सकता है कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। जी, उन्होंने एक और जो एक बात हमेशा हम लोग चर्चा में रहते हैं क्योंकि लिंचिंग के संदर्भ में इसका ये पहलू भी है कि गौवंश के कारोबार जो है रोजी रोटी का जरिया बहुत बड़े समुदायों के लिए, तो जो कारोबारी अवैध काम नहीं कर रहे थे फिर भी शक की वजह से कुछ लोगों के निशाने पर आ गए और भयावह अपराध हो गए, तो क्या असर पड़ेगा
भागवत जी के बयान का, जो इस तरह से काम में रहते हैं, जो लीगली कानूनी तौर पर जो काम करते हैं उस पर? नहीं देखिए, पहले से हम लोग ये बात कहते चले आए कि जाहिर सी बात है जो चीज गैर कानूनी है वो सभी के लिए गैर कानूनी है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है और ना कभी करेगा। और कहीं पर भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई भी गाय को मार रहा है या उसका कत्ल कर रहा है तो ये कतई तौर पर गैर कानूनी भी है और मजहब इस्लाम में भी इस बात की गुंजाइश नहीं है। और मजहब इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि जिस भी मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करें। तो मजहबी तौर पर पिक्चर बहुत क्लियर है और जो लोग कानूनी तौर पर ये कारोबार कर रहे हैं जिसमें कि कानून ने तमाम लोगों को परमिशन दी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान उसमें हों, उसके बावजूद भी जो ये लिंचिंग के वाकयात हुए हैं, अगर आज भी पूरी ईमानदारी के साथ जो लोग इसके मुजरिम हैं उनको सजा दे दी जाए तो हम ये समझते हैं कि ये समझा जाएगा कि इस बयान का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल, आपने अहम बात कही कि जो मुजरिम है उनको सजा मिले तो बयान का इम्पैक्ट होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भागवत जी के इस बयान से जो उन्होंने कहा है उससे एक तरह से मरहम लगेगा, और क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ महीनों में चुनाव है, लेकिन एक मरहम लगेगा जो बहुत घाव लिंचिंग को लेकर लगे हैं? नहीं, यकीनी तौर पर उनके, अगर आपने जैसे फरमाया, उनके इस बयान से एक पॉजिटिव मैसेज पूरे मुल्क में गया है और जाहिर सी बात है जो लोग इतने लिंचिंग के शिकार हुए हैं और उनके घर वालों को जरूर इससे कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण नजर आएगी और ये भी एक अच्छा, हम समझते हैं, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मेरे नजदीक कम अज कम है कि दो कम्युनिटीज के दरमियान जो एक कुछ लोगों के दरमियान, हम कहेंगे एक सेक्शन के दरमियान जो गलत फहमियां हैं वो इस तरीके से गलत फहमियां भी दूर हो सकती हैं कि अगर जो बयान आया है इस किस्म के बयानात आए और उस पर अमल भी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अहम बात आपने कही कि जो बयान आए हैं जो कहा उस पर अमल हो, वो बहुत उससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा और साथ ही जो मुजरिम लोग हैं उन पर अगर कानूनी कार्रवाई हो जाए तो जो परिवार हैं उनको भी मरहम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिरंगी मेली जी जुड़ने के लिए। और अब सियासत की बात करें तो बिहार से भी सियासत, वहां की बिहार की सियासत में आज विपक्ष सक्रिय दिखा है। आज RJD के 25वें स्थापना दिवस पर एक अरसे बाद लालू प्रसाद यादव भी नजर आए। उन्होंने जयप्रकाश नारायण लोहिया कर्पूरी ठाकुर आजादी विरासत को याद किया। उन्होंने कहा कि सदियों से जल रही रोटी अब पलटी है तो गरीबों का राज सबको लगा था जंगल राज, उन्होंने अपने राज की तब बात की। तो तेजस्वी यादव ने जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया और कहा RJD को जनता ने जिताया था, चुनाव आयोग ने हराया था। तो एक और तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक और आई है बिहार से ही, पटना से लगे हुए हाजीपुर से। हाजीपुर की सड़कों पर चिराग पासवान दिखे अपनी जनसंपर्क, एक तरह से यात्रा भी इसे कह सकते हैं। कई इलाकों का दौरा किया। पार्टी में टूट के बाद चाचा पशुपति पारस के खिलाफ चिराग पासवान की यात्रा थी। पिता जो रामविलास पासवान की जन्म जयंती पर इसे आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है। और हाजीपुर से रामविलास पासवान 8 बार चुनाव जीते थे, बाद में छोटे भाई पारस पासवान को ये सीट मिल गई थी और ये उनका संसदीय क्षेत्र हो गया था। तो इन दोनों तस्वीरों पर जो है आज बिहार से और पटना से हमारे पास आई, उस पर हमारे सहयोगी हैं मनीष, और उन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं। मनीष, मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि आज हमने तेजस्वी को भी देखा और सुना, लालू प्रसाद को सुना और किस तरह से चिराग पासवान के भी बयान सुने, क्या ये दो चेहरे जो हैं नीतीश कुमार को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, आज का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे कई बातें साफ और स्पष्ट है। एक, जहाँ तक पासवान वोटर का सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का सवाल है, तो वो चिराग पासवान के साथ आज की तारीख में दिख रहा है और अब चिराग पासवान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने समर्थकों को, वो चाहे पासवान वोटर हो या दलित समुदाय के अन्य जातियों को, कैसे जोड़ते हैं अपने साथ। और ये सब कुछ उनके आने वाले दिनों में राजनीतिक कार्यक्रमों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा बिहार में समय बिताते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो शो रहा है उसमें निश्चित रूप से उन्होंने अपने चाचा को शिकस्त देने में कामयाबी पाई है
क्योंकि हर जगह पर आज उनके स्वागत के लिए लोग हजारों की संख्या में जुटे थे। वहीं जो चाचा ने अपने भाई यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए जो श्रद्धांजलि सभा की थी उसमें मात्र कुछ 100 लोगों को ही जुटा पाने में कामयाब हुए। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी ने भी आज जिस तरीके से श्रद्धांजलि के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया उससे तो एक बात तय है कि आरजेडी किसी न किसी तरीके से चिराग पासवान को अपने पाले में लाना चाहती है और वो चाहती है कि आने वाले दिनों में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो चिराग के जो चाचा हैं पशुपति पारस जिन्होंने विद्रोह का बिगुल फूका था और लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल को स्प्लिट किया था उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो आरजेडी चाहती है कि वैसी परिस्थिति में कम से कम चिराग के अंदर में जो अभी बीजेपी को लेके एक संशय की स्थिति है जो कन्फ्यूजन है वो खत्म होगा और चिराग जल्द से जल्द उनके साथ आएंगे जिससे कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को घेरने की जो उनकी रणनीति है वो और भी ज़्यादा कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आज जिस प्रकार से करीब 3 वर्षों के अंतराल के बाद लालू यादव आए और लालू यादव अपने पुराने आक्रामक अंदाज में थे, हालांकि कुछ ऑडियो की क्वालिटी खराब रहने के कारण लोग उनको बहुत सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ ये लगा कि लालू यादव जल्द से जल्द जो है बिहार आने के लिए अपने समर्थकों से मिलने के लिए बेताब हैं। वैसे में ये सारे ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हैं जिसको आप कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए के लिए बहुत ही ज़्यादा आने वाले दिनों में जो है उनके लिए स्मूथ सेलिंग या उनके लिए बहुत राजनीतिक घटनाक्रम जो है उनके फेवर में होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का एक बड़ा तबका जो बिहार का है वो अभी भी चाहता है कि उनके पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो चिराग पासवान का साथ ना छोड़े, क्योंकि वोटर उनके साथ है, समर्थक उनके साथ अधिकांश हैं। इसलिए अगर चिराग आरजेडी के साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए ही मुश्किलें और बढ़ेगी। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और रुख महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन आज हंगामेदार रहा। एक तरफ गाली गलौज और धक्का मुक्की के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में साथी दलों के क्या पाले बदलने और दुश्मन दोस्त बनने के तरह से संकेत भी यहां पर मिले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा नियम 4 वास्ता चर्चा गया। मुख्यमंत्री यालगार परिषद केस में गिरफ्तार 84 साल के फादर स्टैन स्वामी का आज देहांत हो गया। वे कई दिन से आईसीयू में थे और कल से वेंटिलेटर पर थे। एनआईए ने उन्हें बीते साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। उन पर माओवादियों की मदद करने का आरोप लगाया गया था, जबकि स्टैन स्वामी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे और आदिवासी समूह के बीच काम करते रहे। वे गिरफ्तारी के दौरान बुरी तरह बीमार थे लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। उन्हें पार्किंसन की शिकायत भी थी, बाद में कोविड ने उनको जकड़ लिया। उनकी मौत के बाद सामाजिक संगठन में शोक का माहौल है। इनको खो रहे हैं, वो बांध के रूप में हो, फैक्ट्री के रूप। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने फादर स्टैन स्वामी की मौत को एक हत्या बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मैं नम आंखों के साथ फादर स्टैन स्वामी को विदाई देता हूं। उनकी मौत एक हत्या है और हम जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उनकी आत्मा को शांति मिले। और देश की बात में आगे रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। यहां योजनाओं का ऐलान तो हो रहा है लेकिन 3 महीने बाद भी ना इनके नियम बने हैं ना किसी को फायदा मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में 5 योजनाओं का ऐलान किया लेकिन 3 महीने बाद भी किसी में नियम नहीं बने हैं तो किसी में आवेदन नहीं मिले हैं। जिनमें मिले उनमें जो जरूरतमंद है उनको फायदा नहीं मिला है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनके परिवारों को 1 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन ऐलान के बाद भी योजना सिर्फ कागजों में है, कोई नियम ही नहीं बना। भोपाल की आयशा खान का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है।
प्राइवेट स्कूल में बसें चलती थीं। 2 साल से कमाई बंद है, सास की कोरोना से मौत हुई, इलाज में लाखों खर्च हो गए। 20 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि कोरोना से मौत पर 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन अभी तक योजना कागजों में ही है, नियम तक नहीं बने हैं। मदर इन लॉ की तबीयत के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई इन सब चीज़ों में, क्योंकि बिजनेस तो था नहीं, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे किया। अब शायद मतलब ये तो आस थी कि शायद सरकार से कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन अब तो पूरी उम्मीद पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है। बड़वानी में जिला अस्पताल में चौकी इंचार्ज बाबूलाल भावेल को कोरोना के लक्षण दिखे, अस्पताल में भर्ती होने के 6 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। सरकार ने कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना के 50 लाख रुपए साल भर बाद भी नहीं मिले हैं। 7 लोगों का परिवार सिर्फ पेंशन के आसरे है। तबीयत खराब होने पर उनको वही सरकारी शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ कोविड सेंटर में, और कोविड सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो उसमें बताया था कि ये कोविड सस्पेक्ट बताया था। के पापा चले गए, जब से हमारा घर ही टूट गया, हमारा कहीं नहीं रहा। 4 बेटी है, बेटा है, 2 बेटी की शादी हो गई, 2 बेटी कुंवारी है, घर का मकान नहीं है, कहीं सहारा नहीं हमारा। हम घर के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए, पापा के साथ में 2 जवान थे, दोनों जवान पॉजिटिव पाए गए। पापा के जाने के बाद हमें पॉजिटिव आने के कारण पापा का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, तो फिर हम पापा पॉजिटिव नहीं थे, तो फिर हम पॉजिटिव कैसे आ गए। सुरेश सेजवाल टीकमगढ़ में SDOP थे, पहली लहर में खूब काम किया, लगातार सड़क पर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। दुनिया जिस चीज से लड़ रही है उसमें अपने मदद करना है, कोई भूखा है, कोई बेचारा क्या है, उसको खाना खिलाना है। काम के दौरान ही ब्रेन हैमरेज हो गया, मौत हो गई। सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर तो दे दिया, लेकिन कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट नहीं। SP ने अर्जी बढ़ाई, लेकिन कलेक्टर ने ठुकरा दी। कोई मदद मिली, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनकी कल्याण निधि योजना के जो कवरेज क्षेत्र थे उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोरोना ड्यूटी के दौरान यदि आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसको कोरोना योद्धा घोषित किया जाएगा। तो यह मौत भी एक आकस्मिक दुर्घटना है, क्योंकि ड्यूटी के ही दौरान मृत्यु हुई है, तो मैं भी इसकी हकदार हूँ, मेरे पति को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना से 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। 112 पुलिसकर्मी पहली लहर में, जबकि 40 की दूसरी लहर में मौत हुई। 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 पुलिसकर्मियों को ही 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। 27 की अर्जी ठुकरा दी गई। कोरोना की विभीषिका में अपनी जान हथेली पे लेके समाज की सेवा में लगे थे 152 पुलिसकर्मियों की मृत्यु कोरोना के संक्रमण से हुई है, लेकिन ये सरकार शिवराज की मात्र 7 लोगों को, पुलिस वालों को मृतक मान रही है, क्योंकि हर परिवार को 50-50 लाख रुपए देना पड़ेंगे, एक एक को नौकरी देना पड़ेगी। इसलिए अरे जिन लोगों ने जान हथेली पर रखी शिवराज भैया, उनके साथ दुर्व्यवहार मत कर। मुकेश खरे की पत्नी प्रीति खरे भोपाल के हुजूर तहसील में पटवारी थीं, कभी नाके पर चेकिंग तो कभी गांव में कोरोना जांच में लगी रहीं। ड्यूटी निभाते हुए नवंबर में कोरोना संक्रमित हुईं, इलाज में 8-9 लाख रुपए खर्च हो गए, तन मन धन से वो टूट गए, लेकिन सरकार की कोरोना योद्धाओं के लिए चलाई गई योजना से कोई लाभ नहीं मिला। अब बात हुई थी कोरोना योद्धा योजना की, तो कोरोना योद्धा योजना के लिए हमने काफ़ी कोशिश करी, कलेक्टर साहब ने भी एक आवेदन हमने का दिया था, वो शासन को भेजा, पर वो शासन से निरस्त हो गया। सभी जगह मैंने संपर्क करा, मंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, राजस्व मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, सभी जगह आवेदन दिए, पर उनका ये कहना है कि योजना 30 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी, इसलिए आपकी जो डेथ हुई है वो 1 दिसंबर को हुई है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना में 5 भारी भरकम ऐलान तो कर दिए, लेकिन हकीकत देखिए। मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत पर परिजनों को 50 लाख रुपए, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था। पहली लहर में 38 मामलों में 19 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, दूसरी लहर में 94 आवेदन आए। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू। सारे सरकारी कर्मचारी जिनको तनख्वाह राज्य की संचित निधि से मिलती है वो पात्र थे। 5 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान था,
लेकिन पेंच यह है कि ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया की राशि 50 लाख रुपए से अधिक होगी तो कोई अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी। हकीकत 39 आवेदन मिले। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति। 1 मार्च से लेकर 30 जून 2021 में सरकारी कर्मचारी की मौत पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था। 14 आवेदन आए, नियुक्ति किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। 1 मार्च से 30 जून 2021 तक लागू। माता पिता या अभिभावक की मौत पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह की मदद। मुफ्त शिक्षा। 395 आवेदन मिले, 323 पात्र, 228 की सहायता मंजूर हुई। 5वीं योजना, कोरोना में मृत व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद। 20 मई को ऐलान हुआ लेकिन अब तक न नियम बने न आवेदन आए। मंत्री जी फिर भी घोषणा कर रहे हैं कि सब वायदे पूरे होंगे। देखिए सरकार, हमारी सरकार ने जो जो योजनाएं लागू की हैं, जिन जिन की घोषणा की है, वो अमली जामा पहनेगी। ये कमलनाथ की सरकार नहीं है जो मुख्यमंत्री के हवाई जहाज खरीदने की योजना बनाती है और मुख्यमंत्री के ऐशो आराम की योजना तो बनाती है पर जनता की सुविधा की संबल योजना बंद कर देती है। कांग्रेस की सरकार नहीं, आप फिक्र मत करो। पॉजिटिव होने के 60 दिनों के अंदर मौत पर ही परिजनों को मदद मिलेगी। इन योजनाओं की राह में बड़ा रोड़ा है। पुलिस से लेकर पब्लिक तक सरकार ने सबके लिए बड़े बड़े वायदे किए, घोषणाएं की, लेकिन कुछ यूं ही कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बड़वानी से मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, कोरोना का खतरा टला नहीं है। अभी देश के 77 जिलों में 10% कोरोना की संक्रमण दर है। देश में कोरोना के मामले भले ही लगातार कम हो रहे हों पर अब भी 77 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। गृह मंत्रालय की अप्रैल की गाइडलाइंस के अनुसार जिन जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा होगी वहां राहत और रियायत नहीं बल्कि सख्ती जारी रहेगी। 16 राज्यों के 77 जिले अब भी चिंता का सबब बने हुए हैं। यहाँ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के 48 जिले शामिल हैं, यानी सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में 62% जिले नॉर्थ ईस्ट से हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 19 जिले, राजस्थान के 12, केरल और मणिपुर के 8, मेघालय के 7, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के 4, ओडिशा के 3, असम के 2 और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र और पुदुचेरी के 1-1 जिले शामिल हैं। पिछले हफ्ते 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 71 जिले थे जिनमें 6 और जिले शामिल हो गए हैं। वहीं 5% से ज्यादा और 10% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की तादाद 70 है जो देश के 19 राज्यों से है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर और हालात का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में सेंट्रल टीम भी भेजी गई है। कोरोना संक्रमण के जमीनी हकीकत का अंदाजा पॉजिटिविटी रेट के जरिए ही लगता है और उसी के दम पर काबू करने की रणनीति बनाई जाती है। पर आंकड़े बताते हैं कि खतरा कुछ इलाकों तक सिमटा जरूर है पर फिलहाल टला नहीं है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, कर्नाटक में लॉकडाउन तो हट गया लेकिन जो लोग हैं कोरोना के नियम हैं उनको ना मानने के बना रहे हैं अनेकों बहाने।
कर्नाटक में तकरीबन दो महीने के लॉकडाउन के बाद अब ज्यादातर दुकानें खुल गई हैं। ऐसे में बाजार में काफी भीड़ है। हालांकि प्रशासन ने मार्शल्स, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की 54 टीमें बनाई हैं जो भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रख रही हैं, चालान काट रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और इस टीम के बीच काफी नोकझोंक भी होती दिख रही है। तकरीबन दो महीने के लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुला तो भीड़ बेकाबू होते दिखी। अब भी शहर में रोज 500 से ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्क न पहनने की लोगों के पास अपनी वजह होती है। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क पहनने में क्या परेशानी है? नहीं साहब, थोड़ा सर्दी के इसलिए साफ करने वास्ते पहना निकाला था, दूसरा कुछ नहीं। आप पहनेंगे? पहनते कंटिन्यू, दो डबल है सर, डबल है। मास्क न लगाने पर लोगों का चालान काटा जा रहा है, तो वहीं जिन दुकानों पर भीड़ होती है चालान उनका भी कटता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां काम करने वाले सुरक्षित रहें, हर इंसान सुरक्षित रहे, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। आए चालान काटा और चले गए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए। लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा है, उसके बाद दुकानें खुली हैं, ऐसे में बाजार में भीड़ काफी है, जगह जगह संघर्ष हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि यह विशेष अभियान उनकी हिफाजत के लिए चलाया जा रहा है, ऐसे में संघर्ष की जगह वो सहयोग का रास्ता अपनाए। These teams are basically हमने इन सबों की तैनाती भीड़भाड़ वाले बाजारों और ऐसी दूसरी जगहों के साथ साथ मुख्य सड़कों पर भी कर रहे हैं, ताकि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और वेयर द मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर। ऐसी कुल 54 टीमें बनाई गई, यानी शहर की सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों में दो दो टीम। इस बार ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर किसी ने बदतमीजी की तो गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।